नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम सिंह, बच्चों का सर्जन और बच्चों का यूरोलॉजिस्ट, ग्राफिकेरा अस्पताल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। ग्राफिकेरा अस्पताल की तरफ से बच्चों की सर्जरी और बच्चों की यूरोलॉजी विभाग का जो ये जागरूकता अभियान है, उन सभी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों की, बच्चे मतलब पैदा होने के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक, उनके लिंग के आसपास दोनों तरफ जो सूजन होती है, उन बीमारियों के बारे में। ये होता है हमारा पेट, और ये होते हैं अंडकोश। कुछ बच्चों को यहाँ पे सूजन होती है, कुछ को यहाँ पे सूजन होती है, कुछ को पूरे जगह पे होती है, कुछ को ये साइज बढ़ जाता है। यहाँ पर दो तरह की बीमारियां होती है, एक होती है हाइड्रोसील और एक बीमारी होती है हर्निया। अब यह बीमारी क्यों होती है? क्या होता है कि हमारे पेट में जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बनता है तो गोटियां जो होती है, गोटियां मीन्स टेस्टिस, वो पेट में बनती है और जन्म के ठीक पहले उतरकर अंडकोश में नीचे आती है। तो पहले रास्ता बनता है और फिर वो गोटियां उतरकर नीचे आ जाती है। अब नीचे आने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है। अगर ये रास्ता खुला हुआ रह जाता है तो हाइड्रोसील या हर्निया हो जाता है। इन हाइड्रोसील और हर्निया दोनों का इलाज, हाइड्रोसील में एक बार जांच करने के पश्चात हम कुछ समय तक इंतज़ार कर सकते हैं और ये रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। पर हर्निया, जिसमें कि इसके अंदर आते आने लग जाती हैं, इंटेस्टिन आना शुरू हो जाती है, वहाँ पर हमको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इन ऑपरेशन के बाद सामान्यतया लगभग 99.9% केसेस में दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और बच्चे अस्पताल में एक दिन एडमिशन के पश्चात ठीक होकर घर जा सकते हैं। धन्यवाद।